मतलब यही है। विद्यापति जी कहते हैं कि प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से जब मिलन होता है तो मिलन होने के बाद आकुल चिकुर बेढ़ल मुख शोभ राह कयल शशि मंडल लोभ। देखिए एक उनकी विपरीत रति का वर्णन है। दोहे कही दोहे अनुराग दुहु प्रेम दुहु हृदय जाग दोहे दोहा करु परिहार दोहे आलिंगन कतो बार दोहे बिंबाधार दुहु दंश दुहु गुण दुहु प्रशंस दुहु हेरी दोहार बधान दुहु जन सकल न्यार दुहु कर मधुरिमम भास निरखे जदु नाथ जाय। प्रेम विलास का वर्णन है। प्रियालाल के दिव्य विहार का वर्णन है। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की वर्णन कर रही है और प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी का वर्णन है और दोनों एक दूसरे की महिमा गा रहे हैं लेकिन किसी का अंत नहीं। श्री कृष्ण में इतनी ताकत नहीं कि श्री कृष्ण प्रिया जी के गुणों का वर्णन कर सकते क्योंकि अकत है। प्रेम वर्णन नहीं किया जाता, प्रेम को कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। यदि कोई सोचे कि मैं प्रेम कर प्रेम वर्णन कर सकूं तो कहीं कर नहीं सकता। यहाँ तक कि श्याम सुंदर कहते हैं प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरिवंश जी कहते हैं प्रिया जी की वर्णन श्याम सुंदर जब प्रिया जी को देखते हैं तो श्याम सुंदर कहते हैं कहाँ कहूँ इन नयनन की बात कहाँ कहूँ इन नयनन की बात। एली प्रिया बदन अम्बुजरस अटके अनतन जात मैं अपने नेत्र की बात क्या कहूँ। जब प्रिया जी के श्री रूप का दर्शन होता है तो प्यारे श्याम सुंदर भंवरा बन जाते हैं। प्रिया जी का क्या है तो प्रिया जी का बदन अम्बुज कमल का फूल है। ए अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जा। श्री कृष्ण कौन है जानते हैं, चंचल। उनकी चंचलता तत्काल समाप्त हो जाती है जब प्रिया जी के श्री मुख का दर्शन करते हैं। इसीलिए गोपियां डांटती हैं फिर ना ही मांगो कहां तुम कौन देन समर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को पकड़ करके तुम हमसे कुछ ले लो तुम्हारी जो इच्छा है ले लो हमको प्रिया जी का दर्शन करा एक बार दर्शन। तो गोपियां कहती हैं तू ही बताओ तुम आज तक स्थिर हुआ कि तुमसे हम लोग कुछ मांगे हैं। तुम तो पागल की तरह इधर उधर घूमते रहते स्थिर नहीं मांगो कहां कौन तुम कौन देन समर्थ। अरे प्रिया जी की हम सहचरी हैं प्रिया जी की सेविका है प्रिया जी की दासी है हमको तुमसे क्या मतलब। हम तो देखते हैं 50 बार तुम हमारे चरण में आकर बार बार प्रार्थना करते हो एक बार दर्शन करा दो तब तुम भला क्या दे सकते हो है कुछ। ए अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनतन जात। प्रिया जी के मुखमंडल को देख करके प्यारे श्याम सुंदर की भटकना चंचलता स्थिर। आप तो गौर लीला में देखिएगा श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत उत्पात मचाते हैं किसी के बस में नहीं होते तोड़ फार करते हैं पंडितों को पकड़ लेते हैं इधर उधर पागल जैसे हो गए। सची माता भी परेशान हो जाती है महाप्रभु को हम लाला को कैसे समझाऊं क्या करूं अगर गौर किसी से मांगते नहीं। प्रिया जी अरे सची माता सुनती है इसको कोई रोग हो गया इसके माथा पर नारायणी तेल इत्यादि मलती है कि शांत हो जाए लेकिन गौर महाप्रभु शांत नहीं है। लेकिन गदाधर पंडित को देखते चुप सा एक शब्द नहीं तो सची माता कहती है लाला तू यहीं बैठा रहा हम लोग इसको परेशान हो जाती हैं। लेकिन प्रिया जी की केवल यही कहते हैं ए अलि प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनतन जात। ये जाते ही नहीं जब जब रुकत पलक संभुट लट अति आतुर अकुलात। जब थोड़ा सा पलक कहीं गिर जाता है प्रिया जी का दर्शन करते करते तो पागल हो जाते हैं
अब क्या करें, ऐसा लगता है लंपट लावण्य में स्वयं तरते। प्यारे श्याम सुंदर कौन है जानते हैं ना, लंपट। ऐसा लंपट संसार में कोई मिलेगा नहीं। प्रिया जी के रूप माधुरी का पान करने के लिए लंपट पावर, यही लंपट बनना है। हम लोग भी लंपट हैं, हम लोग स्त्री के लिए, काम के लिए, पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, भोजन के लिए, हम लोग लंपट लंपट बनना है। यहाँ प्रिया जी की सेवा के अतिरिक्त राह न जाए, ऐसी लंपटता यदि आ जाए। एक कृष्ण कैसा है, लंपट नव लंपट लवनी में ते। एक सेकेंड, एक लव का भी यदि प्रिया जी के देखने में अंतर आता है तो अलग कलप सतसा लगता है कि सात करोड़ों करोड़ों कल्प बीत गया, युग बीत गया। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद। एक सेकेंड, एक निमिष, एक लव का अंतर पाने से कृष्ण पागल हो गया। ऐसी स्थिति आखिर कृष्ण की इच्छा क्या है, प्यारे श्याम सुंदर चाहते क्या? तो कहते हैं श्रुति पर कंज द्रिगज द्रिगंजन कुछ बिज, मैं इनके कान का कुंडल बन जाऊं। प्यारे श्याम सुंदर की इच्छा है कि मैं प्रिया जी के कान का कुंडल बन जाऊं, इनके आंख का अंजन बन जाऊं, इनकी इच्छा है। आ कुछ बीच मृगमद भैल समान, दोनों कुचों के बीच में मन मृगमद बन जाए, कस्तूरी का कस्तूरी बन जाए। इतना होने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता। श्रुति आ श्रुति पर कंज त्रिगंजन कुछ बीच, श्रुति पर कंज कान का कुंडल बनने की, प्रिया जी का जो कान का कुंडल तो कौन है, प्यारे श्याम सुंदर। विलास पुष्पांजलि में रघुनाथ दास जी कहते हैं कि मैं कुंडल नहीं पहना रही हूँ, प्यारे श्याम सुंदर को ही पहना रही, तुमको मैं काजल नहीं लगा रही। ये काजल कौन है, प्यारे श्याम सुंदर। प्रिया के अंजन कृष्ण ही, श्रुति पर कंज त्रिगंजन दृग का अंजन, कुछ बीच मृगमद भय न सुना, मैं बन जाऊं मृगमद प्रिया जी के वक्ष स्थल पर रहना। हित हरि वंश नाभि सर जल चर जाचत सावल गाता। श्याम सुंदर की यही चाह है कि मैं प्रिया के नाभि रूपी समुद्र में जल जल बन जाऊं, मछली बन जाऊं और वहीं रहूं। ये देखिए ये प्रियालाल की वार्ता चल रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर प्रियालाल के दिव्य विहार में जो केली वार्ता है, जो मदन राग है, वो प्रियालाल प्रिया जी श्याम सुंदर की महिमा, प्यारे की और प्यारे प्रिया जी की दोनों की जो महिमा गा रहे हैं, उसको कहते हैं कि कदा ऐसे में कब श्रवण करूँगा। जितना जितना इनको आनंद आता है उतना उतना वो रस उन्मत्त हो जाते हैं। रघुनाथ का जितना विरह उतना स्फुरण, जितनी सुधा उतना आस्वादन, आचार्य पाद का यह दर्शन। किंगरी अभिमान से जुगल माधुर्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। ये मंजरियों का अद्भुत स्वाद, अद्भुत रस है। जिस रस को पाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर विलाप कर रहे हैं, और विलाप करते समय कहते हैं तब बाहो मृणालिनी अति सुबली ललित। प्रिया जी के श्याम सुंदर का बांह कैसा है, तो मृणाल की तरह बांह अति सुललित। ये भागवत के वेद स्तुति में है, बांह का वर्णन। उर्वेंद्र भोग भुजदंड विषक्त थी, काम मोहित गोपियन पर कृपा अतुलित की।
जगत पिता विरंच जिनके चरण के रथ भी गोस्वामी तुलसीदास कि सुंदर बाहों को देख करके ब्रज गोपियां जिनमें आलिंगन बद्ध हो गए, ब्रजेंद्र नंदन ताहे होय आलिंगित। प्रिया जी के गुड़ाल बाह सुंदर बाह और प्यारे श्याम सुंदर का भुजदंड विशक्त दिया, उर्गेंद्र भोग भुजदंड विशक्त दिया, ऐसे दोनों बाहों को प्राप्त करके निज सुबलित बाहु कर ले अर्पण। प्यारे श्याम सुंदर अपने बाह को प्रिया जी को अर्पण किए। आनंद हैवे तव स्कंद सुशोभ भंग, स्कंद पर रखते ही स्कंद की शोभा बढ़ गई। और उसी समय मधुर मदन गान कृष्ण न सहित उस मधुर मदन गान प्यारी जी गाई, गाहिया सुमुखे कवे शुभ दिन चीते। आचार्य चरणशील रघुनाथ दास गोस्वामी कहते ऐसे दिव्य रस को मैं खल कब प्रियालाल दोनों एक दूसरे से मिल करके बात करते होंगे और उस बात को मैं कब सुनूंगी, ऐसा सुअवसर मुझे प्राप्त कब होगा। हे प्रियाजू हे लाडली जो ऐसी कृपा करो कि मैं इन प्रियालाल के जुगल विहार का वर्णन मैं सुन सकूँ वर्णन कर सकूँ। महापुरुष लोग इस रस का, सभी महापुरुष लोग इस रस का वर्णन किए हैं। विलास विदग्ध विलास जयदेव जी गीत गोविंद में, विद्यापति जी का तो बहुत पद है विदग्ध विलास, प्रियालाल का दिव्य विलास। रघुनाथ दास गोस्वामी विलास पुष्पांजलि में दान के लिए मंजरी में दान के लिए लोग रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी दाग के लिए कौदिल, इन सब ग्रंथों में महापुरुष लोग इन मधुर विलास का वर्णन किए। इन मधुर रस की वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला में वर्णन करते और वर्णन करते करते थकते नहीं है बल्कि उनकी उत्कंठा और बढ़ जाती है। एक ऐसा सागर है जिसमें डूबने के बाद और डूबने का मन करता है, वही है प्रेम विलास मधुर। प्रियालाल दोनों अद्भुत रस का आस्वादन कर रहे हैं, इस रस का आस्वादन हम लोग चाहेंगे भी तो होगा नहीं, वर्णन करना भी सोचेंगे तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये महापुरुष जिस शब्द के आश्रय लेकर वर्णन करते हैं उस शब्द में इतनी ताकत नहीं कि प्रियालाल के दिव्य विहार को कोई वर्णन कर सके, होगा ही नहीं। फिर भी थोड़ा थोड़ा उस रस का स्वादन करते हैं महापुरुष को जिस रस की यहाँ पर वर्णन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। इस रस को पाने के लिए जिससे हमेशा संग चाहिए उससे हम लोगों का संग दूर होता है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जाको सपरस चाहे, जिससे हमेशा मिलना चाहे उससे हम लोग अपरस कर बैठे। जानते हैं ना रसिकों की वाणी, सपरस और अपरस जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, इन लोगों को बता दीजिए तो क्या होता है। जासो सपरस चाहिए तासो अपरस नित, रसिक भगवत रसिक की बने। सपरस और अपरस समझ गए आप लोग नहीं समझ गए? आप बता दीजिए। सपरस है निकटता, अपरस है। सपरस मन और परस मन स्पर्श, समझ गए ना, छूना, और अपरस मन दूरी। तो जासो सपरस चाहिए तासो अपरस नित, जिससे हमेशा मिलना चाहिए उससे हम लोग बहुत दूर। जासो अपरस चाहिए तासे चिबको चित, तब बताइए कहाँ रस मिले। जिससे हमेशा मिलना चाहिए उससे हम लोग बहुत दूर हो, और जिससे कभी मिलना नहीं चाहिए उससे हमारा चित चिबको। भगवान के नाम से हमेशा सपरस चाहिए, हमेशा 2400 घंटा उनका स्पर्श चाहिए, ठाकुर जी का नाम हमसे चाहिए। जासो सपरस चाहिए अतासो अपरस भी, भगवान का नाम, भगवान के संत रसिक संत महापुरुष इन लोगों से हमेशा सपरस चाहिए, उससे तो हम लोग बहुत दूर भाग गए। जासो अपरस चाहिए, अपरस किसे चाहिए? किसे? माया बन जाते हैं क्या? धन पुत्र पैसा धन कुछ दिखाई पड़ रहा, सब माया है। हमारी आंख से दुख दिखाई पड़ रहा, सब माया, सब भगवान नहीं। भगवान अगर हो तो फिर हम लोग क्यों? जितने दिख रहा है कौन दिख रहा है? रूप है, प्रकट रूप में नहीं है, अप्रकट रूप। आज इसको प्रकट रूप क्यों नहीं मान? जब हम अंदर से हमारी तीव्र उत्कंठा हो जाएगी तभी। ये जितना संसार दिख रहा है पिया लाल का बिहार स्थित, ये सारा संसार क्या है? पिया लाल का है बिहार, जित देखो तित श्याम। तब इसको माया क्यों दिख रहा है? क्योंकि भगवान नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। रितेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या द्यात मनोमाया जथा भासो जथा तमः। भागवत में चतुर्थ श्लोक है, भागवत का दूसरा अर्थ। जत रिते रिते जत रितेर्थम जत प्रतीयेत, आपके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखता है वही हमारी माया है। भगवान की माया क्या है? ये कृष्ण इदम ही विश्वम भगवान के तरह, संपूर्ण जगत भगवान का ही प्रतिबिंब है। वो भगवान को न देख करके कुछ और दिखता है, इसी को माया कहते हैं। इसी को तीन में बांध दिया गया, कांचन कामनी और कृति ना, इससे दूर रहना है, उसी में हमारा चित चिपका हुआ है। हम श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, हमारा मन किसमें है? संसार। तासो चिपको चित भई विपरीत विपरीत बुद्धि, हमारा बुद्धि उल्टा हो गया है। असन बसन आचार कनक कामनी राक्षसन, मन करता है खूब अच्छा खाएं, खूब सुंदर रमणियों के साथ रहें, हमारी कीर्ति पूरे संसार में फैलती रहे, ये सब चाहता है। सभी लोग यही चाहते कि हमको असन बसन
असन माने भोजन और बसन माने कपड़ा, खूब सुंदर सुंदर कपड़ा मिले पहने को और खूब सुंदर सुंदर खाना के लिए भी, यही है ना। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शिष्णोदर, दो ही चीज पर गाड़ी अटका हुआ है, खाना और असन और बसन, कनक और कामन, राचे सब भगवत रसिक अनन्य करे स्पर्धा दासो। भगवत रसिक जी कहते हैं कि हमको केवल दो ही लोग दो वस्तु से डाह है, किससे, कनक और कामनी से। जो मधुर रस की आराधना करना चाहता है उसे दो दो चीज से बहुत दूर भागना पड़ेगा, धन और स्त्री, ये खतरनाक चीज है। क्या कृति तो बाद में आएगा, अभी तो कंचन कामनी पर रहेगी। माया रानी के दोनों कान के कुंडल है कांचन और कामनी, और कीर्ति है मुकुट। कांचन कामनी से तो सब गृहस्थ परेशान है, सारे गृहस्थ को दो ही चीज चाहिए, पैसा और स्त्री, कनक कामनी। और कीर्ति महारानी बड़े बड़े त्यागियों को खसेट कर रोड पर ला देती, ये मुकुट है। माया रानी का मुकुट क्या है, कीर्ति। जिसको ये मधुर रस की आराधना करना है उसको तो सबसे पहले दो चीज से दूर रहना चाहिए, कनक और कामनी। बस कनक इतना ही चाहिए जिसे पेट भर सके, बस। भागवत में लिखा गया है जावत भीत जठरम तावत सत्व में दे, बस जितना से पेट भर सके उतना ही धन अपने पास रखना चाहिए। सुबह खा लिए और शाम के लिए झक्खे बोरह कहे साथ न रखे, खबरदार। मधुर रस की आराधना करना है तो सुबह खा लिया और शाम में क्या खाऊंगा इसको सोच लिया तो उसको हटा देते, जाओ तुम हमारे प्रसाद रहने लायक नहीं। वैसे ही हमारा गौर, सुबह हरितिका खाए और शाम को भी खाने के बाद हरितिका मांगेंगे तो उनका सेवक ने रख लिया। महाप्रभु कहे कि ये किस लिए रखे हो, तो शाम को कहाँ मधुकरी मांगने जाऊंगा इसलिए रख दिया, शाम को भी तो आपको चाहे, कहे खबर था चलो जाओ शादी करो हमारे साथ मत रह। सुबह खाए और शाम को झके गोरख कहे साथ न रख, और मधुर रस की चर्चा कर रहे हैं, बिना त्याग पर मधुर रस टिकता नहीं है। मधुर रस की चर्चा में बहुत बड़ा संयम है, संयम देखना है तो स्वामी हरदास को देखें, सनातन गोस्वामी पाद को देखें, रूप गोस्वामी पाद को देखें, इनके समान रस जगत में कौन होगा, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को देखें, इनका त्याग तो देखें। ये ऐसे टिकता नहीं, सुनते हैं कि खूब मस्ती से खाएं या खूब पहने और मधुर रस में प्रवेश हो जाए तो बहुत दूर। सबसे पहले तो मधुर रस में जीव को ताला मारना पड़ता है, भाग न खाई बार जानते हैं, भाग जानते हैं ना, भाग ना खाए और भाग ना यथा जो विषय गुंज अनाश हो, यह है मधुर रस का आधार, इसी पर मधुर रस टिकता है। आधार यदि कमजोर है तो बिल्डिंग घर गिर जाती है, यदि संयम नहीं है तो यह मधुर रस टिकता नहीं, केवल वाणी तक रहे, हृदय में प्रवेश करेगा। मधुर रस प्राप्त करने के लिए बड़ा संयम की जरूरत है, बहुत संयम की तो बात नहीं, दो चीज पर कंट्रोल कर रहे, दो चीज, खाना और सुनना। अरे खाना सुनना उसी को शिष्णोदर, फूड एंड सेक्स, ये दो चीज खतरनाक, दो चीज पर गाड़ी अटका। अभी हम लोग सुबह भागवत पढ़ रहे थे तो जक्षत और रक्षत दो ही शब्द है, खा जाओ इसे, जक्ष और राक्षस की उत्पत्ति हुई ना भागवत,
एक दो जीव तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदूर मध्य ताकि जो तक कठिन समझ भगवान को छोड़ो पहले अपने जीव को बस में कर बस जीव जब तक बस में नहीं होगा चाट पकौड़ी खाएंगे और कहेंगे कि हम मधुर रस में प्रवेश कर गए हैं तो बच्चा बहुत दूर है। जीव है ना, जीव है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। पर प्रबोधक ब्रह्मचारी कहते थे रसगुल्ला के नाम सुनते ही जीव से पानी गिर जाता है और करेगा मधुर रस की चर्चा। वाह, भोजन का नाम सुनते ही जीव से पानी गिर जाता है, कम मिलेगा खाने अच्छा है का हमको प्रभु का प्रेम मिलेगा। कृष्ण नाम सुन करके जीव से पानी नहीं गिरता है, नहीं गिरता है ना। कृष्ण नाम तो जीवाओ नाम रटते 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 भोजन की तरफ देखने के मन नहीं करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं खट रस सट रस यदि मुहि ला यदि मुहि राम लागे तो मीठ हो अनरस सट रस सब हो जाए तो सीठ हो। यदि राम नाम लेने की आदत पड़ जाती ठाकुर जी का नाम लेने में रस आ जाता है तो सब रस समाप्त। जिसका जीव इधर उधर दौड़ता है तो समझ जाना चाहिए नाम नहीं रटता, ठग रहा है। नाम रटे नाम के पास आ जाए हो नहीं सकता है। पतित होई गिरी परे परम पद होते जा सो, इस रस को पाने के लिए ऐसा है। विष्टा को सुकर लड़े भिरे वचन को स्वान, ऐसे लोभी दाम को कामी जुवती ज्वान। कामी जुवती ज्वान जगत में गुरुपद ताको, परे पढ़े पर धूरी विलोक है जोरी ताको। यह है कनक कामनी देखी रहे निशिवासर को फूले। यह है मधुर रस महाराज जब चर्चा देखना पड़ेगा किसकी चर्चा हो। रघुनाथ दास गोस्वामी जिस रस की चर्चा कर रहे हैं और हम लोग कहाँ हैं। असल बात है किसी को चाह नहीं, भगवत प्रेम की यदि चाह होगी तब साधना होगी। हमको दिल्ली जाना है तब तो बस पर बैठेंगे, कार जाना ही नहीं है तो गाड़ी में रहकर क्या काम किसी का। हमको भगवत प्रेम प्राप्त करना ही नहीं तुम कुछ भी बोलो, हमको करना है। जब तक चाह नहीं है, चाह रहेगा तभी तो बैराग्य हो। चाह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। ये नाम जब जी हो ऐसे नहीं रटेगी। अभय वाणी में कहा गया चिंता मत करो, तुम्हारा मन विषय में जाता है तो चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं नाम रूप में आया हूँ, मेरा आस्वादन करो, मैं तुझको परम पद के पास ले जाऊंगा। मेरी काम तुम केवल एक काम करो, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये करने आ जाए आ गया ना। नाम रटने किसको किसको आ गया है, नहीं आया किसी को। हरे कृष्ण किसी को कहने नहीं आया ना अभी तक। आ गया हरे कृष्ण 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 इसके बिना रहा न जाए। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। नाम जपने की महिमा यही है, नाम के बिना रहा न जाए। हरे कृष्ण उसकी जीव पकड़ में आ गई। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। कितना भी पापी हो, कितना भी धर्माचार से शून्य हो, ब्रह्मचर्य इत्यादि से वर्जित हो, लेकिन हमारे नाम के शरण में आ गया, इसीलिए भगवान का नाम कथित पावन है। चिंता मत कर, मैं हूं ना, एक बार तो मेरी तरफ देख तो सही, मेरे नाम का आश्रय ले लो। मेरा नाम संकीर्तन करना और मेरे पास रहना एक ही बात है। तुम केवल मुझको पकड़ रहने की कोशिश करो तो जो चाहता है वही तुम्हारे पास आ जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुम अकेले नहीं रो रहा है, तुम्हारे साथ में भी रो रहा हूँ। ये ठाकुर जी कहते, भगवान कहते, तुम विषय में जो प्रताड़ित होते हो, पीटे जाते हो, तो मैं भी तो पीटा जा रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम अकेले दुखी नहीं हो, मैं भी तेरे साथ दुखी हूँ। इसलिए प्रियतम, मैं तुझे सतत पुकार रहा हूँ। तेरा रोग शोक दुख ज्वाला अभाव जो कुछ भी है, सब मैं ही हूँ। मैं ही तुझको परमानंद सागर में डुबाए रखने के लिए तुम्हारे पास रोग बन करके आ जाता हूँ। विषय भोगते हैं ना, विषय भोग रोग भगवान दे देते हैं कि तुम इधर आओ, कहाँ वहाँ जा रहा है। परमानंद सागर में सर्वदा डुबाए रखने के लिए अंतर से मैं कहता हूँ, प्यारे प्यारे आ जा, प्रति क्षण मैं आवाहन कर रहा हूँ। ओ मेरी आनंद के लाल, अब तो मुझे भूले मत रहना। अरे प्राणाधिक संसार ताप की मनोवेदना में तू अकेले नहीं रो रहा है, मैं भी तेरे साथ रो रहा हूँ। और मैं तुझे कहता हूँ, महाजा आ जा मेरे पास आ जा, मैं तेरे सब दुखों का अवसान कर दूंगा। जन्म मरण में सदा तू मेरा अपना साथी है, तुम्हारा हृदय ही तो मेरा नित्य निकेतन है। भगवान का घर कहाँ है? हृदय। तेरा हृदय छोड़कर मैं एक क्षण भी नहीं रह पाता। पुकार पुकार मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, तेरे बाहर भीतर सब आलोक पुलक भर दूंगा। आनंद सागर में डूब जाएगा मेरा नुपुर वंशित ध्वनि, तुम्हारे कान में सदा गूंजती रहेगी। तू केवल बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। असल बात है कि हम लोग इस संसार से निकलना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। भगवान भी प्रकट हो जाए तो कहेंगे हमारा संसार अच्छा हो जाए। पत्नी खूब पीटती है, बच्चे पीटते हैं, फिर भी घर छोड़ना कोई चाहता है? नहीं चाहता है ना। घर भी होना चाहिए, कितना कष्ट होता है घर में, दुख पर दुख, नित्य निरंतर दुख मिलता है, फिर भी जीव डॉक्टर से कहता है एक इंजेक्शन दे तो हम यही रहना चाहते हैं, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। कब मरी हो देखी हो नंद नंदन, ऐसा कभी मन नहीं करता है ना, करता है किसी को? कोई कोई कृष्ण का दर्शन कोई करना चाहता है? हरे कृष्ण हरे मत मन मत करना चाहते हो कृष्ण का दर्शन?